सो हेलो गाइज, मेरा नाम है शेख नईम, आप देख रहे हो ओनली टेक्निकली इन हिंदी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ़ोन पे से मोबाइल पे रिचार्ज कैसे मारे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, आप वीडियो में बंदे रहिए। चलिए टाइम ना ज़ाया करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुकी है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन दिखाई देता है, रिचार्ज एंड पे बिल्स। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपली तरीके से उसके नीचे ऑप्शन मिल जाता है मोबाइल रिचार्ज का। उस पर हम जैसे मोबाइल रिचार्ज पर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं। मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको बोलता है सिलेक्ट और एंटर मोबाइल नंबर। ओके दोस्तों, आप जिस मोबाइल पर इस पर रिचार्ज करना चाहते हैं आप यहाँ पर उसका नंबर टाइप कर दीजिए। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, एक मेरा नंबर है तो उस पर मैं रिचार्ज करने वाला हूँ। ये आ चुका है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग कर लेनी होती है। जैसे कि यहाँ पर बोलते हैं कि आपको कौन सी सिम है, जैसे एयरटेल प्रेड या फिर BSNL, जियो, फिर जो भी है आपकी सिम वहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा जियो है तो ये ऑटोमेटिकली भी ले लेता है, ऐसा नहीं कि हमें डालना ही पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। या फिर कभी कभी नहीं होता है तो हम खुद भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र एंड गोवा कर लिया है। उसके बाद में मैं नीचे की साइड में आता हूँ, यहाँ पर मुझे एंटर कर लेना है एंटर अमाउंट, मतलब मुझे यहाँ पर रिचार्ज कितना, मतलब कितने का करना है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, मेरे को जितना भी करना है मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेरे प्लान, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ पर डालने के बाद में यहाँ पर बता देता है उसकी डिटेल बता देता है कि टल्क टाइम एंड डाटा 2 GB डे, वैलिडिटी 84 डे, डाटा मतलब 2 GB यहाँ पर डे मिलने वाला है, और वॉइस अनलिमिटेड कॉल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में आप कभी इस नंबर पे प्लान देखना चाहते हैं कि इस पे प्लान अभी कौन कौन से अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर व्यू प्लान पे क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं व्यू प्लान पे दोस्तों क्लिक करता हूँ, व्यू प्लान पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर मैं जो चाहूँ यहाँ पर मैं रिचार्ज कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर मैं जो चाहूँ यहाँ पर कर सकता हूँ, बट हमें अभी यहाँ पर 599 रुपये का रिचार्ज कर लेना है। यहाँ पर अब ये करने के बाद में उसके बाद में ये पूछता है कि तुम पेमेंट किस चीज़ से करना चाहते हो। ठीक है, ये भीम UPI, जैसे मैंने स्टेट बैंक से इसको लिंक करके रखा है। और फिर कभी आप इस पर और ऐड करना चाहते हैं तो कभी आपका समझो बना नहीं है, ओके, तो यहाँ पर दिखता है आपको ऐड अनदर बैंक अकाउंट। ओके दोस्तों, आप इस पर क्लिक कर कर भी आराम से जा सकते हैं, या फिर आपका अकाउंट है और आप एक और ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे भी आप एंड अनदर बैंक अकाउंट इस पर क्लिक करके आप आराम से जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डेबिट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। देखो मैं दूसरे बैंक भी यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जैसे मैं इस पर डेबिट कार्ड पे चला जाता हूँ, फिर यूनियन बैंक से मैं डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाता है आपको क्रेडिट कार्ड। जैसे यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड पर दोस्तों क्लिक करते हैं, क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद में आपको ये बोलता है यूज़ क्रेडिट कार्ड, मतलब जो आपकी एक्सपायरी डेट होती है, जो कार्ड नंबर होता है, जो CVV नंबर होता है, जो एक्सपायरी जो भी डेट होती है आपको यहाँ पर पूरा भरना होता है। फिर रिचार्ज के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट, यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है। अब मुझे नीचे चले जाना है, यहाँ पर रिचार्ज के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरफेस अभी कुछ ये पेज आपको ऐसा खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये कुछ पासवर्ड मांग रहा है, जैसे पासवर्ड अब मुझे वही डालना है। आपको फ़ोन स्क्रीन का पासवर्ड यहाँ पर नहीं डालना है, जो आपने UPI में जो पिन रखा है वो आपको यहाँ पर जनरेट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो मेरा पिन है। उसके बाद में यहाँ पर यस के निशान पर टिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में थोड़ा प्रोसेस होंगे, बोल रहा है कनेक्टिंग सिक्रेटरी। ये देखो प्रोसेस पेमेंट ऑफ 90 599। देखिए दोस्तों ये हो चुका है, आप यहाँ पर इंटरफेस देख सकते हैं, मेरे मोबाइल पे रिचार्ज हो चुका है। यूअर रिचार्ज 592 में ये नंबर बता रहा है, ये सक्सेसफुली यहाँ पर मेरा रिचार्ज सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये फिर से बैक हो जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।